नहीं को लिया। अरे राधे, आप सभी को। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ गुलबंदी के लिए, राज जूस रेडी ने, क्योंकि यहाँ से कॉलेज भी ऑन हुआ है, ओपन हुआ है। और अभी कॉलेज का काम भी मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं फिर तो NCDC लगेगा पक्का, लेकिन कुछ करके उठाना पड़ गया NCDC को। और फिलहाल हम लोग जा रही हूँ बाहर फील्ड की तरफ। लेट्स गो। आप लोग लास्ट तक जरूर डिटेल में दिखाने के लिए कोशिश करूँगी आप लोगों को। और गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हो फील्ड की तरफ, लेकिन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला इतना खूबसूरत केवाली फूल, और इतना खूबसूरत तरीके से नीचे में गिर रही है। और आप लोगों को दिखाऊँ कि उसका जो पेड़ है कितना खूबसूरत है। जो ये सुगंध कब आती है और रात के ही ये फूल जो फूल जाती है। और अभी यहाँ पर देखो ये पेड़ है, और मुझे इतना अच्छे लगते हैं ये ना, मेरा बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के बारे में मेरे को महसूस होती है। जब हम छोटा छोटा था तब हम लोगों ने क्या किया था, उस टाइम हम लोगों के यहाँ पर 4 लाइन नहीं थी। उस टाइम हम लोगों ने क्या, मेरा सिस्टर, बड़े सिस्टर, मैं और मेरा जो नानी है मेरे साथ आई था, उसके साथ हम लोग क्या करती हूँ कभी कभी घूमने के लिए मॉर्निंग टाइम, पूरा मॉर्निंग टाइम ही उठ जाती हूँ गांव में। तभी ये फूल सुगंध बहुत ज़रा लगती है नाक में, और अभी सुगंध बहुत खूबसूरत होती है ना मॉर्निंग टाइम, ये सुगंध हम लोग को मिल जाती है जब हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग टाइम उठ जाती हूँ। और उसका टाइम, वो टाइम होगा शायद 2007-2009 इस टाइम में। फिलहाल मैं तो पहुंच गई थी अनार के घर, लेकिन यहाँ पे ये जो बूल है बहुत ही खतरनाक है। मैं आप लोगों को, आप लोग थोड़ी टाइम तक, थोड़ी देर तक देखिए वीडियो को, तब पता चल जाएगा। ये ना उसको पकड़ने के लिए, बेंडिंग करने के लिए पकड़ रही थी, उसके बाद वो वही से पूरा फरार हो गई थी। कैसे फरार हुआ आप लोगों को दिखाऊंगी, लाट सब देखते रहिए तब पता चल जाएगा। और गाइस ना ये वहाँ से सर के आ गए, हम लोग पूरा सामान वामान लेकर यहाँ पर आ रही हूँ। ये ना भाग गई थी, फिलहाल हम लोग आकर ये पर गेट रखा है, ट्रेन गेट यहाँ पे ऑफ है ट्रेन गेट, और इसलिए क्योंकि हम लोग अभी जा रही हो मेरा बैंक का खाता का कुछ काम करने के लिए। यहाँ पे कल हम लोगों ने बुल बेंडिंग किया था, बुल बेंडिंग का कुछ ऑनर को बहुत ज़्यादा डर लगी थी, उन लोगों को मैंने मेडिसिन दे दिया था टैबलेट, लेकिन उन लोगों ने मुझे फिर से बुलाया। बुलाने के बाद अभी मैं आया, अगर अभी इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा दिया, थोड़ा पेन बहुत ज़्यादा ही था ना, बहुत बुल बेंडिंग होने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इसकी वजह से। गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ओवेटावन में, ओवेटा का माँ का एक बेड देखने के लिए, फर्नीचर का, वहाँ पर जाकर जा लूँ और दिखाऊंगी आप लोगों को। गाइस हम लोग देखने के लिए आ गई थी बेड, लेकिन ये बहुत किंग साइज का, बहुत बड़ी बेड है सॉरी, और 67,000 का है ये, 67,000 का होगा, ओ माय गॉड। और अभी फिलहाल वो वाला एक बेड है, सिंपल बेड सही है, लेकिन थोड़ा बक्स वगैरह साथ में होगा तो अच्छा होता। मैंने ना 40,000 के आसपास ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला हम लोगों को 40,000 में। और ये एक बेड है, ये सिंपल है लेकिन बॉक्स टाइप है, 40,000 में मिलेगी ये, जो इसका बॉक्स नहीं होगा, सामने वाला जो बॉक्स नहीं होगा, अंदर तक बॉक्स होगा, लेकिन और दूसरे होना के पास हम लोग एक फर्नीचर दुकान में गए थे, ये होलसेल रेट है, लेकिन इसका जो क्या फिनिशिंग इतना खूबसूरत तरीके से नहीं किया, जो 67,000 का जो क्या होती है, जो बेड हम लोग किंग साइज का बेड देखने के लिए थे, वहाँ पर बेड का प्राइस के अनुसार ही बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलमल है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने भेजा है मेरे लिए मास्क, उसका घर में गई थी फिश, और उसके साथ अभी टोमेटो के साथ बनाऊँगी, और अभी फ्रिज में थोड़ा टाइम रुका रख दिया। और यहाँ पर मेरे आया है एक पार्सल, क्योंकि बहुत दिन हुई थी मैंने ना शैम्पू जो केराटिन का शैम्पू नहीं यूज़ किया था, क्योंकि जो केराटिन का शैम्पू का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने ऐसे ही ड्रॉप शैम्पू यूज़ कर रही थी। अभी ये आया है, दिखाऊंगी आप लोगों को। और गाइस फिलहाल मैं पहुंच गई थी रूम, और अभी मैं बना रही हूँ मेरी अपने खुद के काले, ये मुझे कपड़े जा जाएगी, मैं भोजन सुन रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया रोटी के साथ ब्लाय टोमेटो, उसके साथ पोटेटो, और उसके साथ थोड़ा प्याज लिया हूँ खाने के लिए। पपोटा गई है उसका फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर से उसके साथ घूमने के लिए, मैंने उसके साथ गई थी पपोटा माँ का एक बेड देखने के लिए जाई थी, बेड देखने के लिए गई थी।
लेकिन बहुत प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग चली आई हूँ। और ये वाला वीडियो ये पहन कर रहे हो, वीडियो को कैसे लगे, वीडियो को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना आप लोग। और बेटा आई करो खाना खा कर मॉर्निंग, कल मुझे जाना पड़ेगा कॉलेज, कल से कॉलेज शुरू हो रही, कल से कॉलेज शुरू हो रही और अकेले हो इसलिए भजन सुन रही हूँ। कभी कभी ना भूल जाती हूँ अपना खुद का जो माया मुँह में छुप जाती हूँ, कभी कभी ऐसे होती है कि भगवान का हरिनाम भी लेना ज़रूरी है हम लोगों का लाइफ में, लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ इसलिए बहुत डर भी लगती है। अभी तो कुछ अच्छा करता कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ही हम लोग पाप कर रही हूँ, लेकिन कब सुधरेंगे तब पता नहीं, लेकिन इसलिए कभी कभी मुझे अचानक से याद आ जाती है और इसकी वजह से मैंने भजन वगैरह सुन लेती हूँ। तो कुछ दिन ऐसा होती है भगवान का नाम नहीं लूँगी तो मन में आज आते रहती है आते रहते, लेकिन लाला का कभी कभी ऐसा होती है जब उसका जो सेवा छूट जाती है मेरे से, और इसलिए मेरे को बहुत बुरा भी लगती है, लेकिन क्या करूँ, ये लाला का ही लीला होगा शायद, मुझे थोड़ा देख देख कर हंसते रहती होगा शायद, ये ना मेरे को बहुत मानती है, लेकिन कभी कभी इसका इससे मैं पूजा नहीं लूँगी, जो सेवा नहीं लूँगी, ऐसा साथी है कोविंद ने। और कल मिलूंगी अनु ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।